हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बंगाल के सबसे जाने माने फेस्टिवल, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यह बंगालियों का सर्वश्रेष्ठ त्यौहार है और वो पूरी साल इसी का इंतजार करते हैं, जिसका नाम है दुर्गा पूजा। हाँ दोस्तों, दुर्गा पूजा के ये 9 दिन उनके लिए बहुत ही खास होते हैं, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, यानी विजयदशमी। बंगाल की पूजा की बात ही कुछ और है। अगर किसी को इस त्यौहार का लुत्फ उठाना है तो वो बंगाल के कोलकाता में जाकर इस त्यौहार का मजे ले सकते हैं। इन दिनों कोलकाता महानगर को दुल्हन की तरह तैयार करते हैं और इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस त्यौहार की कुछ खास चीज़ों के बारे में बताऊँगा। कोलकाता का असली रूप दुर्गा पूजा के समय ही दिखाई देता है। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। असल मायने में यह शहर त्योहारों का आनंद का शहर है। दुर्गा पूजा के दौरान हर कोई जात पात को भूलकर उम्र की सीमा को पार कर बस पंडालों में पूजा का आनंद उठाने आते हैं। दरअसल बंगाल में पूजा का मतलब केवल पूजा आराधना या माँ को याद करना ही नहीं, बल्कि पूरे साल के सारे दुख दर्द और गम को भूलकर मौज मस्ती करने का वक्त है। कोलकाता के हर कोने, उत्तरी कोलकाता से दक्षिण तक, नागतला से बोहाला तक, बाग बाजार श्याम बाजार, कोलकाता की हर गली में एक पंडाल जरूर दिखाई देता है। कई लोग अपने घरों में भी माँ की स्थापना करते हैं और 9 दिन तक घर में उनकी पूजा करते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग प्रतिमा दर्शन के लिए पंडालों में रात भर लाइन लगाते हैं। वे दिन में निकलते हैं और रोजाना देर रात तक पंडालों के दर्शन करते हैं। पंडालों की खास बात यह है कि यहाँ के पंडाल लाखों रुपए खर्च करके बनाए जाते हैं। इसकी तैयारी महीनों पहले से की जाती है। पंडालों की इतनी खूबसूरती से सजाया जाता है जिसे देखकर आपकी आंखें चौंक हो जाती है। यहाँ के पंडालों में मुकाबला तक होता है, किसका पंडाल ज़्यादा आकर्षक है, किसमें ज़्यादा भीड़ होती है, इसके हिसाब से प्राइज भी दी जाती है। 1-2 महीने पहले से ही कोलकाता में पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। कई खास तरीकों से पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। प्रथमा के दिन माँ को रंग चढ़ता है और ऐसे ही हर दिन खास होता है। ये सिलसिला नवमी तक चलता रहता है, लेकिन नवरात्रि शुरू होने से पहले 1 हफ्ते पहले ही माँ दुर्गा की प्रतिमा तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी आँखें रह जाती है। महालया के दिन देवी माँ की आँखें तैयार की जाती है। इसे चोखू दान भी कहते हैं, यानी कि आँख दान। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन देवी धरती पर आती है। दुर्गा पूजा बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे देखने के लिए लोग अपने घरों से नए नए पोशाक पहनकर निकलते हैं और दूर दूर तक घूमने जाते हैं, जो कि काफ़ी आनंददायक होता है। अगर आप भी बंगाल में आते हैं तो एक बार दुर्गा पूजा को जरूर देखें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे मेरी नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।